गॉड अभी होल्ड करके ही पहुंच गई थी नाहन में और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, लेट हो गए थे काफ़ी ट्रैफिक्स में। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं नाहन में जा रही हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। यहाँ पे भी एक यूट्यूबर है और मेरी बहन भी है, और तो मैं उन सबसे भी आपको मिलाती हूँ। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेले में, यहाँ पे नाहन में चौगान में मेला लगा है, तो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ। और ये है, हेलो गाइस, ये है मेरी बहन। शायद आप लोग पहले मिले होंगे, मतलब मेरी पुरानी वीडियो में, हो सकता है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ही। और ये है, बोल दो हेलो गाइस, हेलो बोल दे, अद्विका। अद्विका तो हम कहाँ जा रहे हैं? स्लाइडिंग में जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं हम लोग, मेले में जा रहे हैं। तो अभी ये भी अभी ड्यूटी से आए हैं, तो मैंने सोचा कि शाम को हम लोग बनाते हैं और फिर मेले में जाते हैं। अभी हम लोग करेंगे वहाँ पे एंजॉय करेंगे हम लोग बहुत सारा, झूले वूले है ना, बहुत अच्छा है। विंची क्या करने वाले हो मेले में? आज हम उधर चलेंगे और उधर वहाँ पे उसके स्लाइडिंग के अंदर जाएंगे। हाँ ओके, चलो मिलते हैं फिर हम लोग आगे मेले में, मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, तो ये है हमारी प्रीति चौहान। तो आपने देखा ही होगा इनको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। और ये मेरी भतीजी है। तो हम लोग अभी, प्लीज आप लोग मेरे को भी यूट्यूब पे सपोर्ट करो, मेरे को भी फॉलो कर लो, अपना बता दो। हमारे बुआ आई हमारे पास नाहन, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। एंड अभी हम जा रहे हैं, वैसे तो वो कल शाम को आ गए थे, बट हमने बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि मतलब ये काफी थक चुके थे, तो हमने इनको डिस्टर्ब भी नहीं करा। एंड अभी हम मेले में जा रहे हैं, सब लोग रियांश वगैरह देखिए पीछे, मुझे तो मुझसे तो आप मिलते रहते हैं प्रीति चौहान की ब्लॉग में। रीना धर्मेश रावल की ब्लॉग में, नहीं नहीं रीना धर्मेश नहीं, रीना रावल ब्लॉग है। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे पहाड़ों में किस तरीके के मेले होते हैं। जो यहाँ मेला है वो है जोड़ मेला कुछ करके, एंड बस बने रहो, आपको दिखाते हैं आगे मेले में। चल तू भी आगे, चुपरा मान तो बता वीडियो। गाइस तो ये नाहन शहर, छोटी छोटी गलियां जिसके लिए फेमस है। क्या दिखाना चाह रही है? एंड नाहन की एक स्पेशलिटी, आप कहीं भी जाओ ऐसी तंगली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता, खास करके पहाड़ों में आपको पैदल ही हर जगह ट्रेवल करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। मुंबई में ऐसा नहीं होता, मुंबई में हर जगह क्या होता है, हमें व्हीकल वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं हो सकते वो। अरे इससे अच्छा हमारा पोंटा ही था। एंड रियांश भी थक गया, इसको इसकी मम्मा ने उठा लिया गोदी में। हाय मायशा, हाय, थक गए रियांश? रियांश आप कहाँ आए हो? हिमाचल के पास। कहाँ आया? टूटा ऐसे बोलती हूँ, मेले में। हाँ मेले में। रियांश थक चुका है क्योंकि इसने काफी हद तक भी चढ़ाई चढ़ी है, एना भी इसका थकना भी बनता है। हाँ
तो बच्चे ना जैसे यहाँ पे सामने का फर्स्ट व्यू दिख रहा है पागल हो रहे हैं। रियांश क्या है? इधर 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 देखना जरा। वाओ पॉकेट बन जाएगा। हे रियांश कहाँ जा रहे हो आप? मिले गाइस, तो जो यहाँ पे वो यहाँ का चौराहा है, बहुत ही फेमस स्पॉट, बहुत ही बड़ा ग्राउंड जहाँ पे सारी यहाँ पे एग्जीबिशन है ज्वेलर्स की। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है, हम कभी भी जा सकते हैं। अभी इनसे जाए यहाँ पे और से ना में उसकी है सोलन ज्वेलर्स। चलो फाइनली हम मेले में पहुंच चुके हैं। गेट बंद किया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर से हमें ऐसे इस तरीके है। ये गेम यहाँ पे जाएंगे।
टॉर्च, ये दीदी को दिखा देखो, वाओ हो रहा है कि इन विंसी और के साथ कौन बैठेगा, क्योंकि छोटी छोटी और इनकी गिरने का डर है। तो ये कैमल राइड वाली है या हॉर्स राइड जो भी है। इसके बाद अब जाना मारे तो खाऊं मैं किचन। तीन डर दो है नहीं थी ना तो मोन्से Chico!
इनसी तो एक्सप्रेशन ही लेते है। रियान जी रियान जो बोट गाइस सब लोग घर पहुंच चुके और थक चुके हैं क्योंकि इन बच्चों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया सबको। विंसी इनकी मम्मा ने चेंज कर लिया एंड विंसी चेंज कर रही है अब। ये रियांश और रियांश की मम्मा ये लोग भी कर रहे हैं अब कपड़े कपड़े चेंज। सब बच्चे बेचारे मिस्टी के जो जो चीजें आई है ना उसके पीछे पड़े हुए हैं। आ जा आ जा।